हे गाइस, क्या हाल आपके। स्वागत है बीजीएमआई के एक और वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं यूज करने वाला हूँ M249, वो भी एक नहीं भाई, दो दो M249 चलाएंगे और वो भी 6x लगा के। भाई काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस वाले गेम प्ले में। अब यहाँ पे गाइस, जैसे मैं लैंडिंग करता हूँ, मेरे को यार M249 मिल जाती है और सामने ना पूरी स्क्वाड कूदी थी, जिसके एक बंदे को मैं यहाँ पे नॉक भी कर देता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा मैं वेट कर रहा था यार, इसके बंदे को रख रहा था मैं, थोड़ा यहाँ पे हल्का फुल्का डैमेज दे रहा था ताकि यार इसके बंदे थोड़े झाके वाके नीचे से। लेकिन यार इसका बंदा झाकता ही नहीं है, तो गाइस यहाँ पे डायरेक्ट रश कर देते हैं इन बंदों पे। अब यहाँ पे गाइस मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे हैं, मेरे को ऐसा लगा कि भाई बंदा रश करेगा ऊपर की तरफ, लेकिन जैसे गाइस इस वाले बंदे को मैं नॉक करता हूँ, मेरे को एक और बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं सामने की तरफ। मुझे लगा भाई बंदा रश करेगा, लेकिन बंदा रश नहीं करता है, तो हम ही उस पर रश कर देते हैं यार। बंदा भाई क्या ही टेलीपोर्ट होता है यार। और गाइस आजकल ना नई प्रॉब्लम आ चुकी है भाई बीजीएमआई में, भाई पिंग बहुत हाई जा रही है। दिख तो ऐसा रहा है कि भाई 40-50 की पिंग दिख रही है, लेकिन जब खेल रहे ना साफ पता चल रहा है यार पिंग काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप लोगों के साथ भाई ये चीज़ हो रही है नहीं हो रही, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइस, आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 15 लाइक, तो भाई 15 लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल पर पहली बार आया ना तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना भाई अपना। अब यहाँ पे गाइस मैं लूट करने के लिए ना थोड़ा आगे की तरफ आया था और भाई इस वाले ट्रिपल स्टोरी के ऊपर जा रहा हूँ मैं, लेकिन भाई देखो अगर यहाँ पे मैं ड्रॉप शॉट नहीं करता ना भाई, लेट के नहीं मारता इस वाले बंदे को, तो भाई खत्म था मैं। मजाक से हट गया भाई, 10 HP पे बचाऊँ, बंदा क्या ही बैठा हुआ था भाई मूर्ति बन के बिल्कुल कोने में। खैर गाइस, यहाँ पे जैसे ही इस वाले बंदे को मैं फिनिश करता हूँ, मेरे को एक और बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं। सो गाइस यहाँ पे इस वाले बंदे को भी हम फिनिश कर देते हैं भाई, ये भी मेरी हेल्थ खा गया था अच्छी खासी। अब गाइस सारी लूट करने के बाद मैं भाई यसनाय से निकल रहा था, मेरे को लगा यार यसनाय में कोई नहीं बचा होगा, लेकिन इतने में मेरे टीममेट को भाई कोई नॉक कर देता है। और गाइस ये ऐसा वैसा बंदा नहीं है, अगेन भाई ये काफ़ी तगड़ा कैंपर है। लेकिन गाइस हमारे पास भी यार कैंपर को मारने के लिए ना काफ़ी तगड़ा ब्रह्मास्त्र है भाई, M249 है उस ब्रह्मास्त्र का नाम। अब यहाँ पे तो गाइज ये बॉट था, लेकिन ये जो असली वाला बंदा है ना, ये यहाँ पे बैठ के कैंप कर रहा है। और गाइज अपने पास है M249 और M249 की पावर देखो। M249 का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यार इसमें 150 गोली है भाई साहब, आप प्री फायर देते हुए निकलते रहो, बंदा भाई कुछ कर ही नहीं सकता। अब गाइज यहाँ पे ना एक और सीन हो चुका है, मेरा जो टीममेट था भाई सामने, उसको किसी ने यार नॉक एंड फिनिश कर दिया, तो भाई वहां पे चलते हैं रश करने। अब गाइस हम रश करने जा रहे थे, लेकिन यार इतने में एक बंदा में भाई रिकॉल होके आते हुए दिखता है और भाई एक बाहर भी दिखता है। अब जो बंदा गाइस बाहर से आ रहा था उसको तो मैं काफी इजीली नॉक एंड फिनिश कर देता हूं। अब भाई बारी है उस वाले बंदे की जो कि भाई रिकॉल होके छत पे बैठा हुआ है। और इस वाले बंदे को तो यार मेरा टीममेट ही फिनिश कर देता है। और गाइस मैं उस वाले बंदे को ढूंढ रहा था जिसने इसको रिवाइव दिया था, लेकिन यार काफी मैं ढूंढता हूँ, दिखता नहीं है, तो भाई हम निकलते हैं यहाँ से। लेकिन भाई फिर से हमें बंदे दिख जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे बंदे के पास यार ग्रोजा थी, लेकिन यार M249 के आगे भाई ग्रोजा की काहीं चलेगी भाई, फिनिश कर देते हैं काफ़ी इजीली इन वाले बंदे को। और गाइस मैं ना स्ट्रेटजी वीडियोस डालने वाला हूँ और भी कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस आने वाली है भाई चैनल पे, तो भाई सब्सक्राइब करके रखना।
सो गाइस वहां से निकल के मैं आ जाता हूँ शेल्टर की तरफ, क्योंकि यार यहाँ पे फायरिंग की आवाज आ रही है, तो भाई हम भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब इन बंदों के यार वक्त, जज्बात, जिंदगी एक साथ ही बदल गई है। दोनों बंदे सामने वाले बंदों से फाइट ले रहे थे, लेकिन यार पीछे से हम आते हैं और दोनों के किल चुरा लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, उसको भाई रिवाइव दे देंगे। और जिन बंदों को हमने मारा है ना, ये बंदे भाई किसी से फाइट ले रहे थे, तो भाई उनको भी देख के रहना पड़ेगा। सो गाइस सामने की तरफ से फायरिंग की आवाज आई थी, तो मैं देखने के लिए आया था भाई बंदे है तो है कहाँ पे, लेकिन यार मेरे को कोई नहीं दिखता यहाँ पे। तो यहाँ से गाइस मैं निकलने की सोच रहा था, लेकिन भाई एक पूरी स्क्वाड गाइस हम पे रश करने वाले हैं, तो भाई देखना यार इस स्क्वाड को ना किस तरीके से फिनिश करेंगे भाई M249 के साथ। अब गाइस यहाँ पे मैं ना घर की तरफ गाड़ी ले आता हूँ, और भाई ऐसी जगह रोकता हूँ जहाँ से मेरे को एंगल मिल जाए इन बंदों पे स्प्रे मारने के लिए। तो यहाँ पे गाइस मैं दो बंदों को नॉक कर देता हूँ, एक बंदे के फुटस्टेप्स मेरे को आ रहे हैं, तो उस पर रश करते हैं। ये बंदा भाई मेरे टीममेट पे एंगल लेने के लिए जा रहा था, लेकिन आप पीछे से मार देते हैं इसको। अब गाइस लास्ट वाला बंदा बच चुका है, जिसके मेरे को फुटस्टेप्स ऐसा लगा कि भाई सामने शेक की तरफ से आ रहे हैं, तो भाई मैं यहाँ पे मॉली फेंक देता हूँ। लेकिन गाइस बंदा शेक में नहीं था यार, बंदा ठीक मेरे नीचे था, तो भाई रश करते हैं। सो गाइस फिनिश कर देते हैं इस पूरी स्क्वाड को यहाँ पे। अब गाइस लूटते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे गाइस हम वापस आते हैं शेल्टर की तरफ, क्योंकि यार यहाँ पे हल्की सी जोन थी और भाई गाड़ी भी थी यहाँ पे, तो भाई गाड़ी उठा के मैं जा रहा था भाई जोन की तरफ, लेकिन मेरा टीममेट ना एक बंदे को फिनिश कर देता है, और भाई लास्ट वाला बंदा ना यहाँ पे था। सो गाइस फिनिश कर देते हैं इस वाले बंदे को भी। सो गाइस यही था आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।